हेलो, वेलकम बैक HG टॉक यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आप सभी के प्रश्न के उत्तर वीडियो के माध्यम से दिए जाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने एंड्रॉयड डिवाइस में जीमेल अकाउंट को कैसे लॉग आउट करें, क्योंकि अक्सर काफ़ी ऐसा होता है कि हम लॉग इन तो कर लेते हैं पर लॉग आउट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सेटिंग इनकी चेंज होती रहती है। तो इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट टेक्निक बताऊंगा, जो लेटेस्ट तरीका है जीमेल अकाउंट रिमूव करने का, साइन आउट करने का, वो आप इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरा चैनल है जो HG टॉक का, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं फ्यूचर में कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपने फ़ोन के अंदर जीमेल ओपन कीजिए जहाँ पर आपने लॉगिन कर रखा है। अब यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे सबसे ऊपर, जहाँ पर एरो है, 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। ठीक इसी तरह अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, तो सबसे नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक इसी तरह और यहाँ पर आपको सेटिंग लिखा हुआ दिखेगा, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। अब सेटिंग पे जाने के बाद ना यहाँ पर आपकी जितनी भी जीमेल आईडी होगी ना, वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जितनी भी आपकी ईमेल आईडी, आपकी जो लॉगिन है वो आ जाएगी। तो जिस भी ईमेल आईडी को आपको रिमूव करना है, साइन आउट करना है, तो उस पर ईमेल आईडी पे क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रिमूव अकाउंट लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको यहाँ पर इसको रिमूव करना है और फिर यहाँ पर रिमूव अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करना है। इससे आपके डिवाइस में जो अकाउंट है वो साइन आउट हो जाएगा। अब देख सकते हो कि यहाँ पर आपके जो ईमेल आईडी थी ना, वो यहाँ से हट चुकी है। तो दोस्तों, यही तरीका था कि जीमेल अकाउंट को अपने मोबाइल डिवाइस से कैसे हटाए। ये काफ़ी आसान तरीका था, लेकिन इसमें काफ़ी सारी समस्या लोगों को आ जाती थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो, बेल आइकन को दबाना ना भूलो। थैंक यू दोस्तों।